लॉकअप कंटेस्टेंट पायल रोहतगी ने बताया अपनी आईवीएफ का सच। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार पायल रोहतगी ने कैमरा पर क्या कुछ कहा। लॉकअप कंटेस्टेंट मुनव्वर फारूकी और लॉकअप होस्ट कंगना रनौत के बाद अब पायल रोहतगी ने अपना एक सीक्रेट बताया। उनका सीक्रेट जानकर हर किसी की आंखों से आंसू बह निकले। पायल रोहतगी ने मां ना बन पाने का जो दर्द कई सालों से मन में दबाया हुआ था वो आंसू बनकर आंखों से छलक उठा। पायल ने अपने इस दर्द को लॉकअप की चार दीवारी में अपने चाहने वालों के सामने जाहिर किया और रोती रहीं। पायल रोहतगी ने कैमरा पर बताया कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। आपको बता दें कि पायल रोहतगी लॉकअप की एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। रियल लाइफ में बेहद बिंदास और बोल्ड छवि वाली पायल रोहतगी ने पर्सनल लाइफ में बेहद उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्हीं उतार चढ़ावों में से एक के बारे में बताकर वो रो पड़ी। दरअसल लॉकअप में कैमरा के जरिए फैंस को अपना सीक्रेट बताते हुए पायल रोहतगी ने रिवील किया कि उन्होंने आईवीएफ भी करवाया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। वो कभी मां नहीं बन सकती और इसी वजह से उन्होंने अपने फियांसे संग्राम सिंह से अभी तक शादी नहीं की। आपको बता दें कि पायल के इस सच से सभी शॉक्ड रह गए और इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद यही रीजन है कि संग्राम और पायल ने इतने दिनों के डेटिंग टाइम के बाद भी अभी तक शादी नहीं की है। पायल रोहतगी ने आगे कहा कि वो पेरेंट्स बनने के लिए काफी कोशिश कर चुके हैं। वो बोली, मैं मां नहीं बन सकती, मेरे बच्चे नहीं हो सकते। मैंने सोचा था कि हम शादी तब करेंगे जब मैं प्रेग्नेंट होंगी, इसलिए मुझे मेंटली और फिजिकली फिट होना है, एक्टिंग करनी है और इस लाइफ के साथ चलते जाना है। 4-5 साल से हम दोनों कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, इसलिए अब संग्राम को रास्ता ढूंढना है। शायद उन्हें भी पता चल चुका है कि मैं अब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैंने आईवीएफ भी करवाया पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसके बाद मैंने संग्राम को कहा कि वो किसी और लड़की से शादी कर ले जो उनको बच्चा दे सके। आपको बता दें कि पायल रोहतगी इस बात को बताते हुए बेहद इमोशनल होती हुई नजर आईं और उनके आंसू जैसे आंखों से रुक ही नहीं रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पायल और संग्राम सिंह 2011 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और साथ रह रहे हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह की मुलाकात रियलिटी शो सर्वाइवर इंडिया के सेट पर ही हुई थी। इसके बाद पायल रोहतगी ने 20 साल की एज ग्रुप वाली लड़कियों को भी एक सलाह दी और उनसे कहा कि वो अपने एग फ्रीज करवा लें ताकि वो बाद में आगे चलकर कंसीव कर सकें और उनकी जैसी सिचुएशन से ना गुजरें। वो कहती हैं कि जो भी लड़कियां अपने 20s में हैं, प्लीज अपने एग्स फ्रीज करवा लें। जब आप अपने एग फ्रीज करवा लेंगी तो आप 30s और 40s में कंसीव कर पाएंगी और मेरी तरह आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा। आपको बता दें कि पायल रोहतगी लॉकअप के बेस्ट कंटेस्टेंट्स को जमकर टक्कर देती हुई नजर आती हैं और अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। वो एक ऐसी कैदी हैं जो अकेली रहकर भी लड़ती हैं और लास्ट तक लड़ती हुई दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि कंगना ने भी उनको इसी बात के लिए कई बार अप्रिशिएट किया था और इसी बात के लिए उनके मंगेतर ने भी लॉकअप में आकर उनको अप्रिशिएट किया। आपको बता दें संग्राम सिंह ने लॉकअप में आकर उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए, जिसके बाद वो काफी खुश नजर आई थी। लेकिन इस खुलासे के बाद वो काफी इमोशनल होती हुई नजर आई और साथ में बेहद रोती भी दिखी। इसके साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बात पर आपकी क्या राय है। इसके साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।